देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं उज्जैनी नर्मदा छिप्रा के संगम पे। यह इंदौर से लगभग 20 किलोमीटर्स दूर है। और देखिए, इतनी गर्मी के मौसम में भी यहाँ कितनी अच्छी हरियाली है। हरियाली देख के दिल खुश हो। अंदर चल के देखते हैं और क्या क्या ऐसा फैसिलिटीज़ है, कैसा बना हुआ है। ये देखिए, पूरा गार्डन एरिया है। यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था भी की है, बेंचेस वगैरह लगी हुई है। ये फाउंटेन है जो बीच में अभी चल नहीं रहा है, शायद चलता भी होगा। देखिए, आगे घाट दिखने लगा है। इन्होंने घाट को दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। लेफ्ट साइड में जेंट्स के नहाने के लिए है और राइट साइड में लेडीज के नहाने के लिए है। देखिए, ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज पार करके उस साइड चलते हैं जहाँ पे नर्मदा और शिप्रा नदी का संगम स्थल बना हुआ है। दर्श बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है नदी में नहाने के लिए, इसलिए वो जल्दी जल्दी आगे आगे जा रहा है। ये देखिए, लोग गर्मी में ठंडे पानी का मजा लेते हुए नहाते हुए नदी में। ये देखिए, हम पहुंच गए हैं संगम स्थल पे। यहाँ पे माँ नर्मदा और माँ छिप्रा की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पे नर्मदा नदी का पानी पाइपलाइन के थ्रू लाया जाता है और उसको ला करके छिप्रा नदी में मिला दिया जाता है, और छिप्रा नदी यहाँ से बहते हुए देवास होते हुए उज्जैन जाती है। ये देखिए, कितना सुंदर नज़ारा है। माँ नर्मदा अपना जल कलश के थ्रू देते हुए और माँ छिप्रा उसको स्वीकार करते हुए, कितना सुंदर नज़ारा है ये। गोमुख से होते हुए जल आगे जाते हुए नदी में। ये माँ छिप्रा कुंड है। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी है, पिकनिक स्पॉट टाइप बनाया हुआ है। चलिए, अभी यहाँ तक आई है तो हम भी ठंडे ठंडे पानी में एक डुबकी लगाई।